हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत करता हूँ प्रेमेश होमप्लेन पर और आप सभी देख रहे हैं प्रेमेश होमप्लेन। दोस्तों आज का जो हमारा मॉडल रहेगा, आज इस वीडियो में हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा 16 फीट बाय 28 फीट के प्लॉट के ऊपर ये हाउस प्लान। जी हाँ दोस्तों, ये बेहतरीन सा मॉडल आज इस वीडियो में हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम इस मॉडल को ट्रांसपेरेंसी करके दिखा देते हैं। ट्रांसपेरेंसी में आपको आपने कहाँ पर क्या कुछ लगाया हुआ है वो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही आज का हमारा सिंपल सा प्लान, चलिए इसका डिस्कस शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आपका साथ दीजिएगा, आपका आभारी बना दीजिएगा प्रेमेश होमप्लान यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों आपको कोई प्लान बनवाना है तो नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में आप कह पाएंगे, आपके हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी प्लान रहेगा उसका वीडियो पब्लिश करने की प्रयास करूंगा। तो दोस्तों चले चलते इसके टॉपिक पर। आप देख पा रहे होंगे 16x28 फीट के अंदर काफी बेहतरीन सा 3BHK प्लान हमने तैयार किया हुआ है और सामने की ओर हमने जो प्लॉट था उसके हिसाब से 16x5 फीट का स्पेस ऐसे छोड़ा हुआ है। बाकी का जो हाउस प्रॉपर जो हाउस हमने जिस स्पेस पर किया हुआ है उसका साइज आने वाला है 16x23 का। 5 फीट फ्रंट साइड की ओर हमने चौड़ाई में स्पेस छोड़ा हुआ है गार्डनिंग करने के लिए, थोड़ा सा स्पेस फ्री मिले उसके कारण। तो दोस्तों चले चलते इसके ग्राउंड फ्लोर की ओर। ग्राउंड फ्लोर में आप देख लीजिए, कहीं से भी आप आते हैं पहले आपको यहाँ पर एक गेट देखने को मिलेगा और ये 16x5 फीट का स्पेस इधर आप फ्लावर टॉप या फ्लावर गार्डन वगैरह जो भी करना चाहे वो कर पाएंगे इस साइड की। और हमने छोटा सा स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है 16x5 फीट के चौड़ाई पर और इस साइड के पर हमने स्टेप दिया हुआ है और बाइक आपका आसानी से अंदर जाए इसके लिए भी हमने यहाँ पर खास ध्यान रखा हुआ है। इस जगह पर देख लीजिए आप स्टेप की साइड पर, तो यहाँ से आपको मेन एंट्री रहेगा घर पर एंट्री करने के लिए। और दूसरा जो आपका आने वाला है इस जगह पे आप देख लीजिए विंडो, विंडो का डिजाइन एलिवेशन जो है कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो आप इस डोर से एंट्री करते हैं अंदर, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जीने के नीचे आप इस जगह पे पहुँचेंगे और इसी जीने के नीचे आप अपना बाइक वगैरह पार करना चाहे तो आप कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहीं पे से जीने के साइड से आपको एक डोर देखने को मिलेगा और साथ में हमने वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी दिया हुआ है। अब इस एंट्री डोर से एंट्री करते तो आपको यहाँ पर किचन डाइनिंग एक साथ मिल जाएगा 10x13 फीट के अंदर। 10x13 फीट के अंदर एक किचन कम डाइनिंग रूम आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर से देख लीजिए दूसरा और एक डोर देखने को मिलेगा दोस्तों, जिससे एंटर करते ही आप पहुंचेंगे ये वाला बेडरूम में। बेडरूम का साइज आने वाला है 10x10 फीट के अंदर और यहाँ पर हमने एक लेटरिन और बाथरूम रखा हुआ है जिस पर जाने के लिए डोर हमने किचन से ही रखा हुआ है। आप चाहे तो इस बेडरूम के साथ भी इसको अटैच कर पाएंगे और आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन मिले इसके कारण भी हमने टॉयलेट के पीछे एक OTS दिया हुआ है जो ऊपर से नीचे तक जालीदार रहेगा, जिससे आपका घर में पूरे घर में वेंटिलेशन आसानी से मिल जाएगा। और इसी OTS के साथ यहाँ पर एक विंडो हमने कनेक्टेड किया हुआ है। और उसके बाद अभी जीने से होकर दोस्तों ऊपर की ओर जाते तो सबसे पहले आप दोस्तों आप ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले आप इस जगह पे पहुंचेंगे। यहाँ पर आप पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद ऊपर भी जो ग्राउंड फ्लोर पर था सेम ही है, ऊपर भी यहाँ पर हमने सेम उसी जगह पे एक डोर देकर इस साइड की ओर आने के लिए एक बेडरूम डिजाइन किया हुआ है। बेडरूम का साइज आएगा 10x13 फीट के अंदर और इसी बेडरूम से आपको इस साइड फ्रंट साइड की ओर एक डोर देखने को मिलेगा, जिससे एंटर करते हमने 3 फीट छज्जा निकालकर एक बैल्कनी डिजाइन काफी बढ़िया सा लुक पर तैयार किया हुआ है और इसके एलिवेशन कुछ इस तरीके से आने वाला है। और दूसरा बेडरूम जो था यहाँ से आपको डोर रहेगा, जिससे एंटर करते ही आप इस 10x10 का बेडरूम में पहुंचेंगे। आप यहाँ पर जो लेटरिन बाथरूम कमांड में आएगा वो आप चाहे तो दोनों बेडरूम के साथ ही अटैच करना चाहे तो कर पाएंगे, आपके हिसाब से वो रहेगा। और पीछे आपका वेंटिलेशन के लिए OTS। उसके बाद आप इस जीने से होकर फिर ऊपर की ओर जाते तो आप इस वाला एंट्री डोर से एंट्री करके छत पर आ पाएंगे। ये रहेगा आपका घर का पूरा व्यू 3D में। दोस्तों यही था आज का हमारा छोटा सा सिंपल सा मॉडल, कैसा लगा कॉमेंट में आप जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपका साथ दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे की ओर फिर से मिलेंगे नए प्लान और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, देखते रहिए प्रेमेश होमप्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।